मध्य प्रदेश में मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिन में MP पहुंच सकता है मॉनसून। शहडोल होते हुए राजधानी भोपाल की ओर भी बादल बढ़ेंगे। प्री मॉनसून एक्टिविटी में लगातार तेजी आ रही है और बीते 24 घंटों में 31 शहरों और कस्बों में बारिश हुई है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश का इंतजार करने वालों के लिए यह खुशखबरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है मॉनसून को लेकर और अभी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा अच्छी खासी बारिश होगी प्रदेश में और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मॉनसून को लेकर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में भीषण बेतहाशा गर्मी पड़ी है और उसके बाद लोग अब राहत की बारिश को की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब उनका इंतजार जल्द ही पूरा होगा। मॉनसून का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 15 तारीख आज है, 18 तारीख के तक 18-19 तारीख तक मध्य प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश करने की जो जानकारी है वो मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। यानी कि 3 से 4 दिनों का और बस लोगों को इंतजार करना है। लेकिन इस सबके बीच अच्छी खासी प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ जो हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 31 शहरों में और कस्बों में अलग अलग इलाकों में बारिश की जो बूंदें हैं वो जमकर बरसी हैं और इसके अलावा आंधी तूफान भी कई इलाकों में चला है। बादल जो हैं वो छाए रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी इसी तरीके का कुछ मौसम है वो बना रहा है और अब ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि कई शहरों में आज भी बारिश, पानी, आंधी तूफान, गरज चमक के साथ जो बिजली कड़कने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखी जाएंगी और 3 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जो मॉनसून है वो आ जाएगा और फिर धीरे धीरे मॉनसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर अप करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और इस बार सामान्य बारिश का जो अंदाजा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो अच्छी बारिश होना जरूरी भी है अंशिका, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे नदियां हों, तालाब हों या ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, तो वो भी रिचार्ज होता है, जिससे आने वाले समय में खासतौर पर गर्मी के सीजनों में पानी की जो आपूर्ति है वो होती है और पानी की कमी जैसी समस्या है वो सामने नहीं आती। कृषि के लिहाज से भी अच्छी बारिश होना बेहद जरूरी होता है और ये भी देखने में आया है कि लगातार अच्छी बारिश के लिए अब प्रार्थनाओं के, हवन यज्ञ के जो दौर हैं वो भी शुरू हो गए हैं और उम्मीद भी की जा रही है। प्रचंड गर्मी के बीच लोगों की एक ही आस है कि राहत मिलेगी तब जब बारिश अच्छी खासी होगी और मॉनसून को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वासु।